ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मा महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं, अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का
एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, अष्ट मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां हैं और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु क्या कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है।
इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य अति भव्य महाकाल लोग भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विश्व में किसे विस्मित नहीं कर देते। कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह ही गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी है, जहां सूर्य की प्रथम किरणें सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करती है। इसी तरह तमिलनाडु के तंजौर में राजा राजचोल द्वारा बनाया गया ब्रह्मदेवेश्वर मंदिर है। कांचीपुरम में वरदराजा पेरुमल मंदिर है। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है। ऐसे कितने ही मंदिर हैं, वो बेजोड़ है, कल्पनातीत है, न भूतों न भविष्यति के जीवंत उदाहरण है। जब इन्हें देखते हैं तब सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उस दौर में, उस युग में किस तकनीक से इन निर्माण हुए होंगे, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें भले ही न मिलते हो, लेकिन इन मंदिरों के आध्यात्मिक सांस्कृतिक संदेश हमें उतनी ही स्पष्टता से आज भी सुनाई देते हैं। जब पीढ़ियां इस विरासत को देखती हैं, उसके संदेशों को सुनती है, एक सभ्यता के रूप में ये हमारी निरंतरता और अमरता का जरिया बन जाता है। महाकाल लोक में ये परंपरा उतने ही प्रभावी ढंग से कला और शिल्प के द्वारा उकेरी गई है। ये पूरा मंदिर प्रांगण शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। आप यहां आएंगे तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे। पंचमुखी शिव, उनके डमरू, सर्प, त्रिशूल, अर्धचंद्र और सप्तऋषि, इनके भी उतने ही भव्य स्वरूप यहां स्थापित किए गए हैं। ये वास्तु, इसमें ज्ञान का ये समावेश, ये महाकाल लोक को उसके प्राचीन गौरव से जोड़ देता है, उसकी सार्थकता को और भी बढ़ा देता है। भाई और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही
शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, भगवान महाकाल एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये शिव के ऐसे स्वरूप है जिसकी भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर भक्त अपने जीवन में भस्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है। भस्म आरती का धार्मिक महत्व यहां उपस्थित आप सब संतगण ज्यादा गहराई से पता पाएंगे, लेकिन मैं इस परंपरा में हमें भारत की जीवटता और जीवंतता के दर्शन भी करता हूं। मैं इसमें भारत के अपराजेय अस्तित्व को भी देखता हूं, क्योंकि जो शिव स्वयं भूति विभूषण, स्वयं भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां मां काल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अब तक हमारी आस्था के केंद्र जागृत है, भारत की चेतना जागृत है, भारत की आत्मा जागृत है। अतीत में हमने देखा है प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति व्ययम, अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज एक बार फिर आजादी के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है।
साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प, हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहुनी दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है, इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था, महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। और उस समय कुंभ की हजारों साल की पुरानी परंपरा, उस समय जो मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था, जो विचार प्रवाह बह रहा था, मां क्षिप्रा के तट पे अनेक विचारों से मैं घिरा हुआ था, और उसी में से मन कर गया, कुछ शब्द चल पड़े, पता नहीं कहां से आए कैसे आए, और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया, आज वो सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। दोस्त, मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता, और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए, कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है। भाई और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे, उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं, आज नया भारत जब अपने प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तो आस्था के साथ साथ विज्ञान और शोध की परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर रहा है। आज हम एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे हैं। आज भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च कर रहा है। मिशन चंद्रयान और मिशन गगनयान जैसे अभियानों के जरिए भारत आकाश की वो छलांग लगाने के लिए तैयार है
जो हमें एक नई ऊंचाई देगी। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी ताकत से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आज हमारे युवा स्किल हो, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप, एक एक चीज नहीं, नए स्टार्टअप के साथ, नए यूनिकॉर्न के साथ हर क्षेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमें भी याद रखना है, ये न भूले, जहां इनोवेशन है वहीं पर रिनोवेशन भी है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है, अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है। और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए शांति के मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी विश्वास के साथ भगवान महाकाल के चरणों में मैं एक बार फिर सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, जय महाकाल, जय 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 जय